हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास फर्स्ट मैथ के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 सब्ट्रैक्शन। इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, सभी सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको बोला है टेक अवे। टेक अवे मतलब क्या? दूर लेके जाना, ठीक है, किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ में से किसी थोड़ी सी चीज़ को ना दूर लेके जाना। सो ये होता है टेक अवे। जैसे कि यहाँ पे देखो फ्लावर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 फ्लावर्स है। सो यहाँ पे लिखा 5। अब टेक अवे कितने हो रहे हैं, 1 2, दो फ्लावर्स को यहाँ से टेक अवे कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा 2, तो बचेंगे कितने, 1 2 3। पहले 5 थे, 2 को टेक अवे कर लिया, बचे कितने, 3 फ्लावर्स। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर लीव्स देखो कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 लीव्स। अब टेक अवे कितने हो रहे हैं, 1 2, मतलब सपोज कर लो इन दो लीव्स को हम यहाँ से हटा रहे, सो बचेंगे कितने फिर, 1 2। सो देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पर लिखना होगा हमें 2। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। बटरफ्लाइज कितनी बटरफ्लाई है काउंट करो, 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटरफ्लाइज। अब फ्लाई अवे कितनी हो रही है, तीनों की तीनों हो रही है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। देखो 3 बटरफ्लाइज, 3 बटरफ्लाइज थी और तीनों की तीनों फ्लाई कर गई। सो बचेगा क्या फिर, यहाँ पे तो एक भी बटरफ्लाई नहीं है, सो लिखेंगे 0। इसका मतलब क्या कि अगर हम किसी नंबर में से, जैसे कि यहाँ पे 3 बटरफ्लाइज और 3 की 3 फ्लाई हो गई थी तो 0 आया। इसका मतलब क्या, सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट करते तो हमारा आंसर कितना आता है, 0। फॉर एग्जांपल देखो, अगर 2 - 2 करते हैं तब भी 0 आएगा, 1 - 1 करते तो भी 0 आएगा, 5 - 5 करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहा है ना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे पेंसिल्स हमें काउंट करनी है। पेंसिल्स कितनी है भाई इसके पास, 1 2 3। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पेंसिल्स। टेक अवे कितनी हो रही है, 1 हो रही है, सो यहाँ पे 1। बची कितनी, 1 2, सो यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक हो गया। चलो सब्ट्रैक्शन करना है फिर से। जग देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे लिखा 6। ब्रेक कितने हो गए जग, 1 2 3 4, 4 जग तो यहाँ पे ब्रेक हो गए, सो यहाँ पे लिखा 4। और बचे कितने फिर, 2 जग बचे, सो यहाँ पे लिख दिया 2। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रॉग्स। अब ये फ्रॉग्स कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे लिखेंगे 5। कितने फ्रॉग पानी के अंदर चले गए, 1 2, सो इस बॉक्स में आएगा 2। अब बचे कितने, 1 2 3, सो यहाँ पे लिखना है हमें 3। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या, 5 - 2 कितना होता है, 5 - 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं लीव्स। अब काउंट कर लो लीव्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे लिखा है 9। कितनी लीव्स यहाँ पे शेड हो गई, 1 2 3 4, सो लिखेंगे 4। अब बची कितनी, 1 2 3 4 5 लीव्स, सो यहाँ पे आएगा 5। अब आते हैं मैंगो पे। मैंगो कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे लिखा 5। टेक अवे कितना हो गया, 1 मैंगो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। बचे कितने, 1 2 3 4, सो इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे 4। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर से सब्सट्रैक्शन ही करना है, सेम है। यहाँ पर देखो 3 ग्लास है, 1 2 3, तीनों के तीनों यहाँ पे ब्रेक हो गए। अब देखो ग्लास कितने थे, 3 ग्लास थे। ब्रेक कितने हो गए, 3 ब्रेक हो गए। सो बचा क्या फिर, कुछ भी तो नहीं बचा। यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, 0। इसका मतलब क्या, फिर से देखो 3 - 3 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब किसी भी नंबर में से हम सेम उसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं सो हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है। चलो अब यहाँ पे आते हैं ये ग्वावा कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सो इस बॉक्स में आएगा 7। अब यहाँ से टेक अवे कितने हो गए, 1 2 3 4, सो यहाँ पे लिखेंगे 4। लेफ्ट कितने, 1 2 3, सो इस बॉक्स में आएगा 3। इजी है ना, आप कर सकते हो। आप देखो टमाटो का, एप्पल कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं टोटल, 6 है। टेक अवे कितने हो गए, 1 2 3 4, सो यहाँ पे लिख देंगे 4। बचे कितने, 1 2, सो इस बॉक्स में आएगा 2। ठीक है। चलो अब यहाँ पे फ्लावर्स काउंट कर लो,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सो इस बॉक्स में लिखेंगे सेवन। टेक अवे कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब देखो फिर से सेवन में से सेवन सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा, ज़ीरो। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। अब देखो आपको सब्सट्रैक्ट करना कैसे है, जितने भी पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना वो पहले काउंट करने, कितने वन टू थ्री, सो फर्स्ट बॉक्स में लिखोगे थ्री। अब थ्री में से बाहर कितनी जा रही है, काउ वन जा रही है, सो नेक्स्ट बॉक्स में आएगा वन। अब देखो थ्री थे, वन चली गई, सो बच्चे कितने फिर टू, तो यहाँ पे लिखेंगे टू, ईजी है ना। अब देखो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, बुक्स काउंट कर लो टोटल कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल कितनी है सेवन, सो यहाँ पे सेवन लिखा। अब टेक अवे कितनी हो रही है, वन टू थ्री हो रही है, सो यहाँ पे लिखेंगे थ्री। तो फिर बची कितनी, इतनी तो चली गई, तो ये सब जो है ना ये बची हुई है, तो कितनी बची है, वन टू थ्री एंड फोर, सो इस बॉक्स में आएगा फोर, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो टमाटो काउंट कर लो कितने, वन टू थ्री फोर, सो यहाँ पे लिखेंगे फोर। टेक अवे कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो, और फोर माइनस ज़ीरो कितने होंगे, फोर होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे ये काउंट कर लो कितने टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव, सो यहाँ पे लिखेंगे फाइव। टेक अवे कितने हो रहे, दो हो रहे, सो बचे कितने फिर, वन टू थ्री, सो अब देखो टेक अवे कितने हो गए थे, टू, और बचे कितने, थ्री, सो यहाँ पे लिखेंगे थ्री। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल और ये होती है वर्टिकल अरेंजमेंट। तो आपको करना क्या है, देखो फाइव में से फोर को सब्ट्रैक्ट करना है, कितने आते वो आपको यहाँ पे लिखना था। तो सर्कल्स देखो कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सर्कल्स है। फाइव में से हमें कितने सर्कल को हटा देना है, चार सर्कल्स, हो ये वन टू थ्री और ये फोर, इन चारों को यहाँ से हटा दिया तो बचा कितना फिर, वन, सो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम, फोर। और हॉरिजॉन्टल में देखो फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा वन, बस कुछ फ़र्क नहीं है उनकी अरेंजमेंट में ना, थोड़ा सा चेंज है, एक हॉरिजॉन्टल में है और एक वर्टिकल में है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या करना है, सिक्स माइनस टू करना है, सो सर्कल हमारे कितने होंगे, सिक्स, देखो काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से हमें टू सर्कल्स को हटा देना है, सो हमने इन दो सर्कल्स को हटा दिया, बचे कितने फिर, वन टू थ्री फोर, कितने बचे, फोर, सो यहाँ पे आएगा फोर। यहाँ पे भी सिक्स माइनस टू क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे बॉल्स हैं वो कितने हैं, नाइन है, देखो काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब कितने बॉल्स को हटाना है, फाइव बॉल्स को यहाँ से हटाना है, तो हटा देते, वन टू थ्री फोर और फाइव को हटाया, अब बचे कितने, वन टू थ्री फोर, सो यहाँ पे लिखेंगे हम फोर और इस बॉक्स में भी लिखेंगे फोर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फोर माइनस फोर करना है, सो सर्कल हमारे पास कितने होने चाहिए फिर, फोर होने चाहिए, तो देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर है, अब फोर में से हमें फोर को भी हटा देना है, तो वन टू थ्री फोर, अब बचा कुछ, कुछ भी नहीं बचा, सो फोर माइनस फोर क्या होता है, ज़ीरो होता है, यहाँ पे भी लिखेंगे ज़ीरो। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे सर्कल्स देखो कितने हैं, क्या बोला है हमें, एट माइनस थ्री, सो हमारे सर्कल्स कितने होंगे, एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है, ठीक हो गया। चलो सब्सट्रैक्ट कितने करने, थ्री, सो थ्री सर्कल्स को यहाँ से हटा देते कम्प्लीटली, तो बचे कितने फिर, वन टू थ्री फोर फाइव, सो यहाँ पे लिखेंगे फाइव, और यहाँ पर भी क्या आएगा, फाइव, वैसे एट माइनस थ्री ही है। अब हमें करना है सब्सट्रैक्ट एंड मैच, सब्सट्रैक्ट कर करके हमें यहाँ पे मैच करते जाना है। चलो ये इंटरेस्टिंग सा है, आप कर सकते हो, अभी हमने सब्सट्रैक्शन की ही प्रैक्टिस की है ना। अब देखो यहाँ पर हमें करना है फोर माइनस टू करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम फोर सर्कल्स जो है ना वो बना ही लेते, देखो वन टू थ्री फोर सर्कल्स। अब कितने सर्कल्स को हमें यहाँ से क्रॉस कर देना है, फोर, टू सर्कल्स को, है ना, ये देखो टू सर्कल्स, सो ये कर दिया हमने टू सर्कल को यहाँ से क्रॉस, तो फिर बचे कितने, वन टू, कितना आता है इसका आंसर, टू आता है, ढूंढो यहाँ पर टू कहाँ है, ये रहा टू, सो पेयर लगेगी टू के साथ में, ठीक हो गया।
चलो अब ऐसे ही हमें बाकी के कर लेने हैं। तो यहाँ पे सर्कल बनाते जाएंगे, कट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो 7-2 है ना, ये वाला 7-2। चलो 7 सर्कल बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, 7 छोटा करते थोड़ा, ये हो गया 7। अब कितने सर्कल्स को हमें कट कर देना है, 2 सर्कल्स को। सो हमने 1, 2 इन दो सर्कल्स को कट कर लिया। अब बचे कितने, 1, 2, 3, 4 और ये 5। सो पेयर किसके साथ लगेगी, 5 के साथ। तो दोनों सर्कल में 5 कहाँ है, ये रहा 5, यहाँ पे पेयर लगाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है 9-1। तो सर्कल कितने बनाएंगे अभी, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में से हमें कितने सब्सट्रैक्ट करने हैं, 1। सो 1 को यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो बचे कितने हमारे फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो 8 के साथ पेयर लगाते, ढूंढो 8 कहाँ पे है, ये रहा सबसे नीचे है 8। सो ये लगाई हमने 8 के साथ पेयर। नेक्स्ट पे आते 5-1। आप सर्कल कितने बनाएंगे, 5 सर्कल, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब 5 में से हमें सब्सट्रैक्ट कितना करना है, 1 सब्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, चलो 1 को सब्सट्रैक्ट करते, इसे कर देते। अब बचे कितने, 1, 2, 3, 4 बचे। चलो 4 के साथ पेयर लगाते, कहाँ है 4, ये रहा ऊपर। ठीक है, सो 4 के साथ पेयर लग गए। अब नेक्स्ट है 6-3। चलो 6 सर्कल ड्रॉ कर लेते, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं, 3। 3 सर्कल को यहाँ से गायब कर देते हैं। तो बचे कितने फिर, 1, 2 और 3 बचे। तो चलो 3 के साथ पेयर लगाते, 6-3 की कहाँ पर है, 3, ये सबसे ऊपर। ठीक है, सो ये लग गई 3 के साथ पेयर। अब नेक्स्ट पे आते 7-1। सो 7 सर्कल बना लेते, 1, 2, 3, 4 फिर ये 5, 6 और ये 7। 7 में से हमें 1 सर्कल को यहाँ से हटा देना है। बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो 6 के साथ पेयर लगाते, ढूंढो 6 कहाँ पर है, ये रहा 6। अब नेक्स्ट है 5-0। 5 सर्कल ड्रॉ कर लो यहाँ पे, 4, 5। 5 में से हमें 0 को निकाल देना है। कुछ भी नहीं निकाल रहे, मतलब कितने हैं फिर, 1, 2, 3, 4, 5। तो पैर किसके साथ लगेगी, 5 के साथ लगेगी। 5-0 कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। चलो पैर लगाते, 5-0, 5। ठीक हो गया, ये एक साइड की पैर लगा ली हमने। अब ये जो है ना, ये बचे हुए हैं। ठीक है, सो अब इनकी पैर लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला है 9-5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9 सर्कल्स बना लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। में से हमें कितने सर्कल हटा देने हैं, 5 सर्कल हटा देने। सो ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, 4 और ये 5। तो अब बचे कितने, 1, 2, 3 और 4 बचे। सो चलो 4 के साथ पेयर लगाते, कहाँ पर है 4, ये रहा। नेक्स्ट पे आते 8-2। 8 सर्कल्स बना लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कितने हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं, 8 में से 2। तो 2 सर्कल को हटा देते, बचे कितने फिर, 1, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब किसके साथ पेयर लगेगी, 6 के साथ। सो ये रहा 6। 7-4 कितने सर्कल्स बनाने होंगे हमें, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। में से हमें कितने सब्सट्रैक्ट करने हैं, 4। तो ये रहा 1, 2, 3 और 4। अब बचे कितने, 1, 2, 3। सो पेयर किसके साथ लगेगी, 3 के साथ, ये 3 है ऊपर। 8-0, 8 में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, मतलब 8 ही बचेगा। सो 8 की पेयर लगा देते यहाँ पे, 5-3, 5 सर्कल्स बना लेते, 1, 2, 3, 4, 5। में से 3 सर्कल को यहाँ से हटा देते, 1, 2, 3। बचे कितने, 2, 1, 2। सो इसकी पेयर किसके साथ लगेगी, 2 के साथ। चलो पेयर लगाते 2 के साथ। नेक्स्ट है 8-3, 8 सर्कल्स बनाते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 में से हमें कितने सब्सट्रैक्ट करने हैं, 3, 1, 2, 3। बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5। किसके साथ पेयर लगेगी 8-3 की, 5 के साथ। अब 7-7, कंप्लीट 7 में से 7 को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। सो आंसर कितना आएगा,
ज़ीरो आएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे बोला है सब्सट्रैक्ट हमें करना है, ठीक है चलो कर लेते सब्सट्रैक्ट, अब तक यही तो करते आ रहे हैं, है ना। अब देखो फोर माइनस टू है, कितने फोर, वन टू थ्री फोर में से हमें टू सब्सट्रैक्ट करना है, तो बचे कितने फिर वन टू, सो यहाँ पे लिखा टू। नेक्स्ट पे आते हैं फाइव माइनस टू, फाइव यहाँ पे सर्कल बना लो फटाफट से और टू सर्कल को हटा दो, कितने बचे वन टू थ्री, यहाँ पे लिख दोगे थ्री। ठीक हो गया, सेवन माइनस सेवन, सेम नंबर में से सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करते तो ज़ीरो आता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं एट माइनस फोर, सो एट सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सर्कल में से हमें फोर को हटा देना है, वन टू थ्री फोर को हटाया, बचे कितने वन टू थ्री फोर, सो यहाँ पे कितने लिखेंगे फोर। नेक्स्ट है थ्री माइनस वन, चलो थ्री सर्कल्स निकाल लेते, वन को हटा देते, बचे कितने वन टू, सो यहाँ पे आएगा टू, इजी है ना। चलो अब फोर माइनस ज़ीरो, यहाँ पे फोर सर्कल्स है कुछ भी नहीं हटाना है, तो बचे कितने वन टू थ्री फोर, सो यहाँ पे लिखेंगे फोर। सिक्स माइनस फाइव बोल रहा है, सो यहाँ पर हमें कितने सर्कल्स बनाने होंगे, सिक्स सर्कल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से फाइव को हटाओ, वन टू थ्री फोर फाइव को हटाया, बचा कितना फिर ओनली वन, सो यहाँ पे आएगा वन। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, वर्टिकल अरेंजमेंट दे रखी है, सब्सट्रैक्ट करना है, टू में से ज़ीरो गया तो टू आएगा। नाइन माइनस सेवन, चलो नाइन सर्कल्स बना लो, यहाँ पे कितने हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नाइन में से सेवन सर्कल हटा दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन को हटा दिया, बचे कितने वन टू, सो यहाँ पे लिखेंगे टू। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे आते थ्री माइनस ज़ीरो, अब थ्री में से कुछ भी नहीं निकाल रहे, सो आंसर आएगा थ्री। एट माइनस एट, देखो सेम नंबर में से सेम नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे तो ज़ीरो आएगा। सिक्स माइनस फोर, सो यहाँ पे निकाल लेते सिक्स सर्कल्स, ठीक है फाइव हो गए और ये सिक्स में से फोर को हटा दो, वन टू थ्री फोर, तो बचे कितने फिर टू, सो यहाँ पे आएगा टू। अब नेक्स्ट है फोर माइनस टू, सो हमने यहाँ पे फोर सर्कल्स बना दिए, टू सर्कल्स को यहाँ से हटा दिया, बचे कितने फिर वन टू, सो यहाँ पे लिखेंगे टू। नेक्स्ट पे आते हैं राइट द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर आपको लिखना है। ट्रिक लगा सकते हो कि हम इस एट में से ऐसा कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करें तो सेवन आए। देखो आपको सिंपल में क्या करना है, ये जो एट है ना आप कर दो यहाँ पे एट सर्कल्स बना दो, फोर फाइव सिक्स सेवन एट में से कितना आंसर आ रहा है सेवन, तो सेवन सर्कल को यहाँ से हटा ही दो आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो आंसर कितना बच रहा है वन, सो आपको ये वन है ना यहाँ पे लिखना है। और देखो एट में से अगर आप इस वन को यहाँ से हटा देते हो, इस वन को यहाँ से हटा देते हो तो कितने बचते फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जो कि हमारा आंसर है। ठीक हो गया, चलो एक और ऐसे ही करके देखते हैं, फाइव माइनस हम क्या करेंगे तो वन आएगा। चलो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फाइव सर्कल्स यहाँ पे ऐसे बना लेने हैं और इसमें से हम एक सर्कल को गायब कर देते हैं, कितने बचे फिर वन टू थ्री फोर, सो यहाँ पे लिखेंगे फोर। और वैसे भी देखो अगर हम इन फोर सर्कल्स को यहाँ से निकाल लेते इन चारों को, तो बचा कितना फिर वन सर्कल, जो कि हमारा आंसर है। सो ऐसे ही आपको बाकी के कर लेने हैं। अब यहाँ पे थ्री सर्कल्स है, थ्री में से इस थ्री को निकाल दो, देखो कितने बचे फिर ज़ीरो बचे, सो यहाँ पे लिखोगे ज़ीरो। वैसे थ्री माइनस ज़ीरो क्या होता है, थ्री होता है। अब है नाइन माइनस टू, अब आपको क्या करना होगा, नाइन में से टू को सब्सट्रैक्ट करना होगा, ये तो सिंपल सिंपल में दिया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नाइन में से हमने टू सर्कल्स हटा दिए, सो बचे कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सो यहाँ पे लिख देंगे सेवन, इजी है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ पे हम कितने में से टू को सब्सट्रैक्ट करें तो थ्री आएगा, सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखो ये क्या है माइनस टू और ये इज़ इक्वल टू थ्री, और यहाँ पे एक है ना बॉक्स है, तो हमें टू को इस साइड लेके जाना होगा, यहाँ पर हम इस बॉक्स को रहने देंगे और थ्री की साइड में इस टू को लेकर जाएंगे, तो ये जो साइन है ना माइनस का ये वाला, ये चेंज होके प्लस बनेगा और टू, और थ्री प्लस टू कितने होते हैं फाइव, सो हमें यहाँ पे लिखना होगा फाइव। या फिर हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों की प्लस कर सकते हैं, पहले तो कितने हैं वन टू थ्री हैं, इसमें हमें इन दो को
मिला लेना है, कितने हो गए 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे लिखोगे 5। लेकिन ये आप कब कर सकते हो, देखो यहाँ तक तो हम सब्सट्रैक्ट ही करते आ रहे, 8 में से 7 को सब्सट्रैक्ट किया, 5 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया, तब जाके हमें ये आंसर मिला। बट यहाँ पे आपको 2 में से 3 को सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। जब भी आपको ये फर्स्ट प्लेस का पूछा जाता है तो आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, मिलाओगे, ठीक है। और जब भी ये सेंटर बीच का जब भी पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, इस फर्स्ट वाले में से इस थर्ड वाले को सब्सट्रैक्ट करोगे। सो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो अब क्या करेंगे हम, -3 और 5 है। सो क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5, इस 5 में इस 3 को मिलाओ, 1 2 3 कितने हो गए फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे लिखना होगा 8। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है 8, तो 8 सर्कल्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि जो हमने 8 लिखा है वो सही है या गलत। अब 8 में से हमें कितने सर्कल्स यहाँ से हटाने हैं, 3, तो 1 2 और ये 3 हटाए, बचे कितने, 1 2 3 4 5, जो कि हमारा क्या है आंसर 5। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने 8 लिखा बिल्कुल सही है। सो हमारी ट्रिक काम कर रही है, इसी ट्रिक से आपको करते जाना है। यहाँ पे क्या करोगे, 2 प्लस 0, अब 2 है, 2 में आप कुछ भी नहीं मिला रहे हो, सो कितना आएगा, 2 ही आएगा। सो यहाँ पे लिख दो 2, 2 माइनस 2 कितने होते हैं, 0। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 में हम प्लस करेंगे 2 सर्कल, सो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे लिखना होगा हमें 9। वैसे 9 सर्कल में से आप 2 सर्कल्स हटाते हो ना, सो 7 ही आंसर आता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 था हमारा सब्ट्रैक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।